देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हाल है वो लग रही है हतीन विधानसभा के गांव रतिपुर में। यहां पर जो किसान हैं इस इलाके के, उन वो किसान तमाम यहां पे इकट्ठे हुए हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में रहने वाले हैं, क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं और जो उनकी परेशानियां हैं आखिर किन वजहों से वो दूर नहीं हुए। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले सवाल लेते हैं जी भर जी, क्या मुद्दे हैं इस इलाके में और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? ऐसा है, हमारे पलवल जिले में 2-3 बार CMB आ चुके हैं और यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, आप सभी जानते हैं, और यहाँ की सरकार ने गिरदावरी के भी आदेश दिए थे, मुआवजा देने का आदेश दिए थे। लेकिन जब कोई CM आता है तो हमारे इलाके का विधायक उस CM से हमारे किसानों की समस्या को बताने का काम नहीं करता। मुद्दे कौन कौन से बचे हैं इलाके में किसानों के लिए, क्या क्या सामने उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर किसान इस बार के इलेक्शन में वोट करने वाला है? ऐसा है, मुद्दे तो हमारे यहाँ पर भंगूरी रजवाया है, आप जानते हैं, तकरीबन 5-7 गांव इससे जुड़े हुए हैं। 3 साल से ये विधायक के चक्कर काटते काटते हार गए हैं और अब ये नाराजगी दिखा रहे हैं। सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ, सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ पर क्या नाम है, आसपास जो भी कोई सरकारी महकमे हैं उनकी लापरवाही भी देखने को मिलती है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम चौधरी बलदेव सिंह। ये बलदेव जी, ये बताइए कि किसानों के सामने अभी कौन कौन से मुद्दे हैं आपके इस इलाके में, क्या कुछ परेशानियां हैं किसानों के लिए? परेशानी जी, एक तो बिजली नहीं आ रही बिल्कुल, दूसरे नंबर पर कोई रोड नहीं बन रही जी, जोधपुर वारा रजपुर वारा गड्ढे हुए पड़े हैं जी, उड़ान के पैसे नहीं मिल रही जी, अब कह के गए एक गिरदावरी करा दी उड़ान की परे जी, ये कई ऐसी समस्या जी, कोई अफसर सुनाई नहीं करे जी, अफसर ढोल जाए तो। इस तरह की सरकार चाहता है कि कैसी सरकार बने, किसानों के लिए किस तरह से काम हो? एक ईमानदार सरकार बने और जो किसानों के लिए काम करे, तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। अब हम बिजली से पूरे परेशान हैं, बिजली नहीं आती है हमारे, हमें नहीं भंगूरी रजवा जो उस बम्बे में वो पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, पूरे परेशान हैं हम। ओलावृष्टि हुई थी उसकी कह के गए थे, गिरदावरी भी हो गई है, कोई मुआवजा नहीं मिला। आपको क्या लगता है जी, वजह क्या है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्यों दूर नहीं होती? अब ये तो जी सरकार जाने हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाकी परेशानी बहुत बड़ी है। चुनाव में क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के दिमाग में, क्या जहन में है, क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है कि हमारी सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है, 3-4 साल हो गए नहरों में पानी नहीं आ रहा, उसके बाद बिजली बहुत तंग कर रहे हैं। नंबर दो, जोधपुर रजपुरा सड़क बिल्कुल खत्म, कोई सुनाई ना हो, कहीं भी डोल ले उसे, और जी हमने कोशिश भी करी कोई ना। आपको क्या लगता है जी, किसानों के सामने कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे आप लोगों के जहन में हैं कि जिन मुद्दों को लेके इस बार आप वोट करने वाले हैं, अपने कैंडिडेट चुनने वाले हैं? भाई सरकार तो वो होनी चाहिए जो जिमीदार के दुख सुख का समझे। अब जिमीदार के दुख सुख ये ही है, सड़क और पानी और बिजली, तीन ही है ये, और तीनों ही ये टाइम पे मिल नहीं रही, बताओ क्या कर लेंगे फिर। और सरकार के कह कह के भी चक्कर काट लिए पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी क्या समस्याएं हैं इस इलाके में किसानों के सामने? सड़क की है जी, बिजली की है, और सिंचाई महकमे की है। सिंचाई महकमे में जो हमारो ये भंगूर राजवा, ये 6 साल थे तो इसकी चिनाई चल रही है और फिर भी वो पूरी होने में नहीं आई है, कहीं ते टूट रही है, कहीं ते फूट रही है, कहीं ईंट लगी नहीं है, सब बात खत्म है जी बम्बे की नहर की। तो सिंचाई को काम सबसे पहले और बिजली को काम सबसे पहले। तो क्या समस्याएं हैं अभी किसानों के सामने और क्या लग रहा है कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह से काम काज हो? भाई सरकार तो कोई हो, हमें सरकार से क्या मतलब है कि कोई कांग्रेस है या कोई सी भी है, बाकी हमें तो सहूलियत अपनी चाहिए, ना तो पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, हम तो यही से परेशान के यही बात है, परेशान है टाइम पे, ना पेंशन भी ना आ रही टाइम पे, अब आज 22-23 तारीख अभी पेंशन भी ना आई अभी, और ये बच्चे बहुत मोटे परेशान आगे आगे निकल जाओ जी। बाब जी बताइए क्या दिक्कतें हैं किसानों के सामने अभी भी इस इलाके में, क्या आप लोगों की सोच है? किसानों की परेशानी तो यही है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, रोजगार है, ये मिले, सड़क है, ये मिले टाइम पे, किसानों की पेंशन है, जैसे ये मुद्दे हैं, ये जो है सरकार पूरे नहीं कर पाई, ये हमारे मुद्दे हैं।
क्या वजह आप लोगों को लगती है कि पिछले लंबे समय से आप लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहां कमियां नजर आती हैं कि किस वजह से काम नहीं हो पा? ये सरकार की अनदेखी है, जो हमारे कर्मचारी हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ना तो किसान को समय पर खाद मिल पा रहा है, ना ही किसान को पानी मिल पा रहा है, ना ही किसान को लाइट मिल पा रही है। एक आगरा कैनाल से भंगरू रजबाई के नाम से निकलता है, उसको समथिंग 10-12 गांव में पानी जाता है। जो भी पानी गांव में है वो खारा पानी है, उससे कोई फसल नहीं होती है, केवल इसी के सिंचाई के ऊपर निर्भर है। प्लस में वो है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी अनदेखी कर रहे हैं, हमारी सरकार अनदेखी कर रही है, किसान बड़े दुखी हैं हमारे इस पे। 5 साल से हजारों किसान दुखी होकर के वो डेली महकमे के चक्कर काटते हैं। एक्शन आदेश देता है कि 20 दिन में पानी चल जाएगा, 15 दिन में पानी चल जाएगा, वो यूपी वाले की तरफ धकेल देते हैं, यूपी वाले हरियाणा वालों की तरफ धकेल देते हैं, लेकिन इसमें पानी की कोई सुनवाई नहीं है। टोटल जो पीछे से पक्का बना हुआ है उसमें मटेरियल गलत लगा हुआ है, प्लस में उसमें वो कूड़ा है जो कैंप का हमारे शहर का, वो कूड़ा डला हुआ, कई बार विधायकों के पास जा चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। वो इधर फोन कर देते हैं, हम अफसरों के पास जाते हैं, मनकी जी पानी चलेगा इसमें 10 साल से पानी भी नहीं आ रहा है। और जो भी किसान है हमारे बड़े दुखी है, ना ही किसान को टाइम पर खाद मिल रहा है, खाद की किल्लत होती है खाद के टाइम में, ना ही किसान को लाइट मिल रही है, ना ही किसान को इसमें पानी मिल रहा है। पानी हमारे क्षेत्र का किसान है जो बड़ा दुखी है, वो तो सरकार से नाराज है फिलहाल। सरकार किस तरह की चाहते हैं किसान, किस तरह का उनका कैंडिडेट हो, जो किसान किस तरह से चाहता है कि उसकी समस्याओं का निपटारा हो? किसान हितैषी सरकार होनी चाहिए जी, जो भी हो किसान के हित में काम करे। ये विधायक और एमपी एक बार बनने के बाद कोई आता तो है नहीं, किसी किसान से कोई ये नहीं पूछता कि तेरी क्या समस्या है, क्या ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ है। आए एक आध घंटे आए और फिर चले गए, जी आपके 5 तारीख के पानी आ जाएगा राजवाए में, आपका 10 का आ जाएगा, आपका नवंबर में आ जाएगा और जनवरी में आ जाएगा। सिंचाई बड़ी समस्या आपके इलाके में, उसके अलावा और क्या क्या है जो किसानों को समस्याएं यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है? किसान किस मुद्दे को लेकर वोट करेगा? हमारे यहाँ का किसान हर तरह से दुखी है। जो ये सरकार है हमारे किसान के बिल्कुल भी हित में नहीं है, झूठे वादे करती है, तरह तरह के झूठ बोलती है, कभी नहीं टाइम पे खाद मिलता है, नहीं टाइम पे बिजली पानी मिलती है, नहीं टाइम पे वृद्धा पेंशन है। हमारे बुजुर्ग लोग इतने परेशान हैं, दूसरे गांवों में जाते हैं वहां मिलती है, पहले अपने उसमें मिलती थी गांव में सुविधा सही थी, अब उसको सरकार ने बिल्कुल जन क्या तितर बितर कर दिया। हमारे किसान की कोई भी कहीं भी कोई भी इन्होंने जो शर्तें हैं वो कोई कहीं भी पूरी नहीं की है, झूठ बोलते हैं। एमएलए हमारे साहब जो एमएलए साहब जो हमारे वोट मांगने के आए थे, उसके बाद में हमारे गांवों में या कोई मृत्यु होती है या कोई भी, कभी भी उसके मतलब दर्शन नहीं होते हैं। धान की फसल बिके हुए 1 महीना हो गया, अब तक किसी किसान से पूछ लो 1 रुपया। क्या है आप लोगों को चुनाव में क्या मुद्दे रहे? एक बात, किसान के क्या मुद्दे, किसान की फसल, किसान को बीज, किसान को दवाई, डुप्लीकेट दवाई। अभी हम जाएंगे प्राइवेट से, प्राइवेट वाले कहेंगे भाई वो खाद है, खाद तो मिल जाएगा लेकिन दवाई लेनी पड़ेगी साथ में। क्यों भैया, पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं? हमारे पास खाद के लिए पैसा है, दवाई जबरदस्ती बांधी जा रही है। क्या सरकार को पता नहीं है? क्या ये डीसी और एसपी बैठे हैं, अधिकारी नहीं है? ये कहे अधिकारी गोदामों को खुलवाओ, इन जो सेठ लोग बैठे हैं, जो इसके डीलर बैठे हैं खाद के, उनके गोदामों को खुलवाओ, उनमें है या नहीं है? जबरदस्ती किसानों को जो दवाइयां दी जाती हैं और लोग हमारे तीनों विधायक जो पलवल के हैं वो तो नाकार रहे हैं बिल्कुल। कुछ भी किसी किसान के बारे में आज तक कोई बोला हो विधानसभा में, आज तक उनकी हमने ये नहीं सुनी भाई किसान की ये समस्या है। ना सीएम के साथ उन्होंने कहा भाई किसान पर पानी नहीं है, वो तो अपने पेट को भरने बस। आप कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? सरकार कैसी तो यहाँ लगा लियो, सरकार तो कुछ है ही नहीं। अब जो नई बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है? नई अब पटोल चलेगी कि क्या करें क्या नहीं करें, उम्मीद तो होगी। अब कैसा कैसी सरकार हो, किस उम्मीद काई की बिना पटोल कौन सी बने कौन सी नहीं। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से काम करें सरकार? काम हमारे एक रहने वाले लग रहा है वाटर सप्लाई का, हमारे गांव में पानी नहीं है और सूडो एक बोस्टर में दे रहा है क्या पानी। आई जो है हम गंदे पानी पी रहे हैं, खारे पानी पी रहे हैं, जोधपुर से टंकी आ रही है उस पानी को पी रहे हैं। हमारी लेन डायरेक्ट जोड़ी जाए गांव के लिए और कोई पानी की सुविधा नहीं है पीने की।
पलवल में यहाँ पे जी दिल्ली एनसीआर की जो चौपाल है वो लगी है कॉलेज के युवा साथियों के साथ। हमारे साथ जो है विभिन्न कोर्सेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो युवा हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो लड़कियां हैं जो कोर्स कर रही हैं वो मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या उम्मीदें नई सरकार से हैं और क्या उन लोगों के जहन में सवाल है। सबसे पहला सवाल लेंगे, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, ये बताइए कि अभी आप लोग वोट डालेंगे तो क्या कुछ आप लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, एज ए युवा आप विद्यार्थी हैं, क्या आप सोच रहे हैं चुनाव को लेके? ओके सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मतलब कि जैसे कि गुजरात है वहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं, वो कभी भी जा सकती हैं रात में, बट हरियाणा में ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा हो कि लड़कियाँ तब भी जाना चाहें, कभी भी उनको मतलब डर ना हो। केंद्र सरकार के लिए चुनाव हो रहा है तो सरकार से, नई वाली सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि क्या युवाओं के लिए करे ये सरकार, जो उम्मीदवार जो भी जीते वो क्या करें आप लोगों के लिए? बेसिकली हम मतलब कि उनको हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा रूल्स बनाने चाहिए, उनको मतलब लड़कियों को सेफ रखने के लिए, जिससे वो सिक्योर फील करें, ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। Okay. ज्योति जी, ये बताइए कि आपके मन में क्या है इस बार, क्या युवाओं के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए होना चाहिए? सबसे पहले मैं चाइल्ड लेबर के बारे में कहना चाहूंगी कि चाइल्ड लेबर एक्ट के होने के बाद भी आज हम अपनी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होटल्स हैं उन पे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अभी भी काम करते हुए दिखते हैं। तो मैं चाहती हूँ चाइल्ड लेबर के लिए अब अच्छे से एक्ट बनाए जाए, जिससे उनको अच्छी से पढ़ाई की जाए। नई सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को कि जिस नई सरकार का गठन होने वाला है वो सरकार कैसी हो, कैसे काम करे? जैसे वुमेन्स के लिए एजुकेशन सेक्टर में और ज्यादा काम करे, जिससे जॉब पाने के लिए आजकल वुमेन को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, वो घर का काम भी करती हैं, तो उनको अच्छे से उनकी उतर जाए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो एनजीओस खुलने चाहिए। आजकल के टाइम पे एनजीओस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है रूरल डेवलपमेंट में, जो एनजीओस की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ एरियाज में देखा जाए तो वहाँ पे किसी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, परफेक्ट मैन पावर होना चाहिए, अच्छी तरीके से वर्किंग होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनजीओस हर एक रूरल डेवलपमेंट में होना चाहिए। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जिसका गठन होगा उस सरकार किस तरह का काम करे, युवाओं के लिए क्या विशेष रखे वो? मेरे अकॉर्डिंग टैलेंट को देखा जाए यूथ्स के आज, क्योंकि आजकल के टाइम पे टैलेंट की बहुत ज़्यादा ही मान्यता हो गई है, अगर उनको अलग अलग वो दिया जाए, प्रोवाइड करी जाए, उनको अलग अलग उनको चांसेस दें ताकि हमारा टैलेंट निकले तो हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। इस अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट और एनजीओस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आपका नाम क्या है? ऋतिक चौधरी। ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है सरकार से, दूसरा आप लोगों के मन में क्या है कि इस बार हम इन मुद्दों को रखते हुए वोट करने वाले हैं? जैसे कि मैं एक किसान फैमिली से आता हूं, तो मैं सरकार से यही मांग होती है कि मतलब जो पेस्टिसाइड वगैरह की जो प्राइसिंग बढ़ा देते हैं ये, और मतलब ये कालाबाजारी जो होती है, ये चीज़ें अभी कंट्रोल में हो, क्योंकि जैसा कि अभी हुआ किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, इनकी मांगें पूरी की जाए, और तो सरकार से कोई इतना वो नहीं है। युवाओं के लिए क्या सोच आप रखते हैं, चाहे रोजगार की बात करें चाहे एजुकेशन लोन की हम बात कर लें, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? युवाओं के लिए सर अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं निकाले जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ पेपर लीक हो गया था, वो पेपर अभी तक नहीं किया गया है, तो उन चीज़ों पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे, इन चीज़ों को रखा जाए बस। नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हम जैसे मतलब वोट करके देते हैं तो उम्मीदें तो सबसे ही रहती है कि वो करें, लेकिन भैया कुछ चीज़ों पे नहीं कर पाती हैं। हमारी अभी नई सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि एक तो ये एग्रीकल्चर का इस पे ध्यान दिया जाए, और ऊपर से ये जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लॉज बनाए जाए, ये पेपर लीक वगैरह ना हो। ओके, बस। आपका नाम क्या है? अनुराग। अनुराग, आपको क्या मुद्दे हैं आपके मन में, किन मुद्दों के साथ इस बार युवा जो है वोट करने वाला? सर मेरा तो यही है कि अभी मैं जैसे कोचिंग लेता हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर उसमें बहुत बहुत टाइम बाद वैकेंसी निकलती है, और फिर उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, उसमें वेटिंग में सर बहुत बच्चे ओवरएज हो जाते हैं, तो वो जल्दी प्रोसेस होना चाहिए। केंद्र सरकार से आपको क्या लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में किस तरह का काम करे नई केंद्र सरकार जो बनेगी, या फिर विद्यार्थियों के लिए चाहे एजुकेशन लोन की बात है, और सबसे बड़ी बात जो प्लेसमेंट की है? सर यही है मेरा, तो बस ये प्रोसेस जल्दी हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइम ना ले, जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर था वो लीक हो गया, अभी उसका कोई टाइम नहीं आया, बोला 6 महीने का, तो सर उसके बच्चे हिम्मत हार जाते हैं ना, फिर वही होना चाहिए कि जल्दी जल्दी होना चाहिए जो कुछ है। आपका क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, ये बताइए आपको क्या मुद्दे हैं आपके, आप खुद युवा हैं पढ़ रहे हैं, आगे के लिए क्या सोचा है, कितनी उम्मीदें हैं नई सरकार से? भारत एक युवा राष्ट्र है, और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी 65% जनसंख्या युवा है, तो हमारा युवा होते हुए, हम एक राष्ट्र होते हुए, हम एजुकेशन में आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम आज 35वें नंबर है, हम फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं आ रहे पा रहे? मेरा
क्वेश्चन है सरकार से, हम यूपी पुलिस का पेपर देने जाते हैं, लड़कों को अलग से मतलब आप समझ सकते हैं उनको एक छूट दी जाती है, वो 3 दिन कहीं बाहर उनका नंबर आ जाता है, वो पेपर देने चले जाते हैं, लड़कियां अपने पापा के साथ पेपर देने जाती है, उनका डबल किराया लगता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनका पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये क्यों है, बच्चे हड़ताल करने पे क्यों उतर आते हैं? तो सरकार से मेरा निवेदन है तो ऐसा कुछ ना हो, ये पेपर लीक करना बंद करें जिससे हमारे युवा आगे बढ़ सके। और दूसरा क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट, हम सब डिग्री ले लेते हैं लेकिन जहाँ कॉलेज में हजारों बच्चों के में बच्चे पढ़ते हैं वही कुछ चंद बच्चों को ही जॉब मिल पाती है, ऐसा क्यों होता है? तो हमारा भारत तो पिछड़ा रहेगा ही ना, तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, आज मैं बहुत उत्साह के साथ बताना चाहूंगी, मैं आपकी बात फर्स्ट टाइम वोट डालूंगी, तो मेरा सरकार से पहला वोट होगा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि हम पीछे छोड़ते थे, पिछली बार मैं 18 साल की हो गई थी लेकिन मैंने वोट नहीं डाली, क्योंकि मुझे हमें उस वोट का कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि सरकार जो हम चाहते हैं वो करती नहीं, तो हम क्यों वोट डालें? लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि एक वोट भी बहुत कीमती होता है, और मैं क्या जाने इस देश को कैसे बदलाव कर सकूं, तो मैं लड़कियां पहले पुलिस में भाग नहीं लेती, लेकिन आज लड़कियां आगे से आगे पुलिस की जॉब करना चाह रही है, एनडीए में लड़कियां, डॉक्टर में लड़कियां, तो मैं चाहती हूं कि हड़ताल करने की जरूरत ना पड़े। मेरा सरकार से निवेदन है कि यूपी पुलिस का पेपर जैसे लीक हुआ, बच्चे घर आते हैं उनको मम्मी पापा उत्साह के साथ पूछते हैं बच्चे पेपर कैसा हुआ, लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मा पेपर लीक हो गया, उनके घर वालों पे क्या बीतती है, वो दूर पीछे, हम तो चलो ऐसे ही आते हैं, यानी कि नई 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 सरकार में इस तरह की चीजें ना हो उसको लेके आप लोग विशेष तौर से चाहते हैं। यस सर, मेरा यही है। वोट करेंगे, पहला वोट है आप इससे पहले? ये मेरा पहला वोट है। आपका पहला वोट है? तो मन में क्या है कि आपका पहला वोट है, मैं पहला वोट मेरा किस तरह से डलना चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके मन में, क्या सोच है? देखो मैं तो पहला एक्साइटेड तो हूँ, मैं पहला वोट है मेरा। एक मेरा जैसे आप न्यूज़ रिपोर्टर से आपसे ये है कि जो अभी भी रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो 18 प्लस हैं फिर भी उनका वोटर कार्ड नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा वोटर कार्ड बनता कैसे है, तो जो जो लोग होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह होते हैं वो फिर भी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि मोबाइल फोन देके वो अपना काम करवाते हैं रूरल एरियाज में, बेसिकली जिनको नॉलेज नहीं होती। तो न्यूज़ रिपोर्टर साहब से बस ये एक्सपेक्टेशन है कि जो लोग हैं 18 प्लस हैं उनका वोटर कार्ड बन जाए। चलिए, प्रशासन इसके लिए तमाम अभियान चलाता है, आपने क्या सोचा है कि रोजगार और शिक्षा कैसी हो, नई सरकार जब बने तो वो इन क्षेत्रों में कैसे काम करे, क्योंकि युवा हैं आप, सबसे ज्यादा शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश करें। देखो एक तो एक रिजर्वेशन का जैसा यहाँ पे चलता है जनरल कैटेगरी का एससी वगैरह, उससे तो इशू वगैरह नहीं होता, पर जैसे जनरल कैटेगरी का या फिर बहुत ज्यादा उसमें स्केल पे बहुत ज्यादा लो हो जाता है कभी कभार, अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कोई देते हैं तो एज अ इंडिविजुअल मैं जनरल कैटेगरी को तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एग्जाम्पल आते हैं कि एक 98% का जनरल कैटेगरी का नहीं हुआ, एक 95% का एससी एसटी कास्ट का एग्जाम यूपीएससी का हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि इसलिए जनरल कैटेगरी का होने में भी ऐसा है कि गवर्नमेंट एग्जाम हम नहीं दे पाते, हम सोच नहीं पाते ऐसे इसके लिए, यानी कि रिजर्वेशन में छूट, रिजर्वेशन में थोड़ा छूट हो जैसे पहले के अकॉर्डिंग। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण जी बताइए, क्या इस बार लोकसभा में आप वोट करेंगे, क्या माइंड में है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं? जी मैं मेवात से आता हूं, और क्या बोलते हैं, जो भी युवा है अगर वो रोजगार पे जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे जाने के लिए सर एक रोड चाहिए, और हमारे यहाँ का रोड एकदम खराब है जिसकी हालत चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, अगर सरकार थोड़ा सा रोड वगैरह पे ध्यान दे तो युवा आए और अपने रोजगार पे समय से पहुंचे, अपने कॉलेज समय से पहुंचे। ये शिक्षा में किस तरह का निवेश आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा में नई सरकार किस तरह से निवेश करे जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर ये हो सकता है कि हम कॉलेज वगैरह और यूनिवर्सिटीज बनाए जो रूरल एरिया है जहाँ पे लोग बच्चे दूर तक नहीं जा सकते और लड़कियां हैं वो दूर तक नहीं जा सकती, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाए, बाकी शहरों में तो है ही पहले से ही, रूरल एरिया में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तमाम कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं जी, क्या नाम आपका? अनन्या। ये बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? मेरा तो जॉब से रिलेटेड है कि जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे इकोनॉमिक की ग्रोथ भी होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत लेवल तक बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी, अब GDP भी इंक्रीज होगी, तो वो सारी चीज़ें, और एजुकेशन में भी होने चाहिए, रूरल एरियाज में जो स्कूल्स नहीं होते, बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, बहुत कम होते हैं, वहाँ का रेट इंक्रीज होना चाहिए, पास के पास स्कूल्स ओपन होने चाहिए जिससे वो जा सकें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उनके एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल को कम्पीट कर सकें। तो रोजगार को लेकर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार को कितनी ज़रूरत है रोजगार में निवेश करने की, ताकि जो युवा हैं आज दूसरे देशों में जो है यहाँ का युवा नौकरी कर रहा है? क्योंकि
यूथ के पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अगर वो हमारे इंडिया में उस एनर्जी को डालेंगे तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी वहाँ पे। तो जब हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी ज़्यादा है इसलिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट को सर्च करते हैं, लेकिन अगर हमारे इंडिया में ही वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग जाएगी तो हमारी इंडिया की भी ग्रोथ उस लेवल की होने लग जाएगी, यानी कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करे। यस। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम तुषार वड़ाना है। जी तुषार, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में युवाओं के किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं और युवा आप खुद किस सोच के साथ वोट करेंगे? जी मेरा तो पहला मतदान है और अगर देखिए जिस तरह से मैं युवा हूँ, अगर मैं किसी को मतदान कर रहा हूँ, किसी भी सरकार को मतदान कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला ये मुद्दा होगा कि सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है, सरकार मेरे लिए कैसे कुछ कर सकती है। कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर से जो है अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे क्या चांसेस है कि मैं आगे जाके नौकरी पा सकूं, है ना सर? अब जैसे कि आप, मैं जनरल कास्ट का हूं सर, अब जनरल में क्या होता है कि जैसे कि अभी भाई ने बताया कि सर कट ऑफ नहीं निकल पाती, हम 90% पे भी आ जाते हैं। आपको लेके बड़ी विडंबना रहती है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल चाहिए। क्या होता है कि सर लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं SC के, है ना सर, उनके लोग बनवा के सर स्कॉलरशिप लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम फिर पीछे रह जाते हैं सर। अभी भी जो है कि जैसे स्कॉलरशिप में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है, पर लेकिन जनरल वालों को सर, अगर जिनके मार्क्स भी कम होंगे ना, उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं। मैंने ट्राई किया था सर, मैंने उसका फॉर्म भरा था CUET का, मेरा सर CUET का फॉर्म भरा, मेरा नंबर भी आ गया, पर फिर भी मेरी प्लेसमेंट नहीं लग पाई किसी कॉलेज में सर। यानी कि रिजर्वेशन में आप लोग चाहते हैं कि नई सरकार ध्यान दे। मेरा कट ऑफ आ चुका था, पर लेकिन क्या था कि सीट फुल हो गई थी, सीट फुल ऐसे हो गई थी कि जनरल सिर्फ 10% था, बाकी जो SC जो होती है जनरल से नीचे कास्ट होती है, उनका जब रिजर्वेशन फुल हो गया था सर इस वजह से। तो उसमें क्या है कि सर देखिए, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी आगे जाके अच्छी पढ़ाई कर सकूँ, अच्छी प्लेसमेंट कर सकूँ, है ना सर, ये किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो कास्ट से रिलेटेड। सर क्या सोचते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? पहले तो आप बताइए कि मतदान आपसे पहले कर चुके हैं? नहीं, मेरा आपका पहला हो। तो क्या है मन में, क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि हम लोग इस मुद्दों को सोच के इस बार वोट करने वाले? हाँ जी, तो जो सरकार फंड्स अलॉट करती है कि हम इस सेक्टर के लिए फंड होगा, इस सेक्टर के लिए फंड होगा, तो वो उसको यूटिलाइज तो करती है, पर एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पूरी कंट्री में, मतलब वो इक्वली स्प्रेड नहीं होता, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पर बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पर पानी भी नहीं है, कहीं पर पानी इतना ज़्यादा कि वो वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो मतलब वो करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, बट वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो जो पॉवर्टी है वो इसलिए वजह से कम नहीं हो पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यही सारी चीजें जो है वो प्रमोट कर रही है कि हमारी आज जो कंट्री की ये हालत है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप कहीं पे जैसे किसी भी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करें पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो वहां पर मॉनिटर करें, एक कंट्रोल रखें, एक चेक रखें कि हाँ वहां पर कॉन्स्टेंटली मतलब यू नो और तरक्की हो रही है नहीं हो रही है। गर्ल्स के लिए जैसे उन्होंने पिंक ऑटोज बनाए दिल्ली में, पर उनको गर्ल्स ज्यादा उसमें लड़के बैठ रहे हैं, यानी कि निगरानी रखी जाए, वहाँ पे निगरानी रखी जाए, स्ट्रिक्ट मतलब रूल्स बना दिए जाए कि वो लड़कियों के लिए तो वो लड़कियों को ही मिले, पिंक बसेज है वो लड़कियों के लिए तो वहाँ पे लड़के ना बैठे, तो ऐसे रूल्स बना दें तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए। तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार से यही उम्मीदें हैं और प्लेसमेंट की उम्मीदें, जैसे हम तो टीनेजर्स हैं तो हमें अब इसके बाद डायरेक्ट हमें जॉब चाहिए होगी, तो जॉब के लिए अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जॉब अगर उसके लिए थोड़ा उस सेक्टर में करें तो। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, ये बताइए कि रोजगार और शिक्षा को लेकर आप लोगों के मन में क्या सोच है कि आने वाली सरकार इन पर किस तरह से काम करे? देखो सर, रोजगार और शिक्षा की वही बात है कि लिमिट, जैसे कि रुचि ने बताया कि लिमिटेड जगह ही सब चीज डेवलप हो रही हैं, जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो और डेवलप हो रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीज को कम्पिटीट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गांव है वो आज भी गांव ही है, वहाँ पे अभी भी रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन हुआ ही नहीं है, और ऊपर की स्टेजेस देखें जहाँ हायर अथॉरिटीज हैं वहाँ इतना डिजिटलाइजेशन है कि वहाँ रह ही नहीं सस्टेन ही नहीं कर पा सकते बिना उसके डिजिटल के। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया के दिल्ली में जू है, अब देखो वहाँ पे डिजिटल टिकट इश्यूज होती हैं, अब एक साल में भी एक साल हो गया कि डिजिटल है सब कुछ वहाँ पे, अगर आप अब गांव के बच्चे जाएंगे तो गांव के बच्चे वहाँ जाके कैसे जू में एंट्री ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटलाइज हो चुका है वहाँ सब कुछ, होना नहीं है हो चुका। तो जब आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एनालाइज तो करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी ग्रोथ हो चुकी है या नहीं हुई। शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन पे बात होनी चाहिए उस पे। हाँ जी, हाँ जी सही, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब जगह डेवलपमेंट हो, मतलब बिल्कुल ना हो लेकिन उन्हें ये तो पता हो कि डिजिटल होने लगी चीजें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होने लगी, ऑनलाइन पैसे कटते हैं, लेकिन अभी लोगों को पता ही नहीं है सर। युवा है जो कॉलेज के विभिन्न कोर्स कर रहे हैं और आगे जाकर यही भारत का भविष्य है, तमाम इनके जो मुद्दे हैं, इन लोगों की जो परेशानियां हैं और क्या वो नई सरकार से उम्मीद को लेकर बैठे हैं, तमाम वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। जी दिल्ली NCR के इस चौपाल प्रोग्राम में
फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होंगे हाजिर। अलवल से जी दिल्ली एनसीआर के लिए मैं रुस्तम जाकर।